बुधवार का दिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत भूचाल भरा रहा। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में अपने 6 विधायकों के क्रॉस वोटिंग के बाद राज्य सरकार पर मनराय खतरे को टालने के लिए कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घर पर मीटिंग के लिए सभी मंत्री विधायकों को बुलाया। मिली जानकारी के अनुसार विधायकों के साथ बैठक के बाद क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया है। अब ऐसे में सब बैठक से निकलकर क्या आता है, इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अटकलों के इस दौर में कांग्रेस के उन 6 विधायकों पर भी नजर बनी हुई है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की है। पार्टी आला कमान ने पहले ही 3 पर्यवेक्षकों को शिमला भेज दिया है जहाँ बैठकों का सिलसिला जारी है। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की पेशकश करके पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। हालांकि बाद में उनके रुख में नरमी जरूर दिखी है। पार्टी के द्वारा शिमला भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे के उनके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा अस्वीकार करने का उल्लेख किया और पार्टी में एकता की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसके मद्देनजर उन्होंने संवाददाताओं से भी यही कहा कि अब इस्तीफे पर जोर नहीं दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया है कि राज्य सरकार कभी संकट में नहीं थी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।